मैं सौखा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य BDC हूँ। क्षेत्र पंचायत का चुनाव आप लड़ रहे हैं जी। सबसे पहले बातें किस तरह से, जन चुनाव का मुद्दा क्या? चुनाव का मुद्दा विकास करना, विकास। पिछले बार से देखा जाए जी, तो इस बार क्या लगता है, इस बार किस तरह से चुनाव की तैयारियां और क्या और, लगता और, है? और अच्छा रहेगा हमारा इस बार, हमारा और अच्छा रहेगा। जैसे पिछले जो भी मैं काम किया हूँ, मैं अच्छा किया हूँ, हमारा देख लीजिए, एक ये काम हुआ, एक और गली काम किए, और एक मदरसे का है वहाँ पे काम दिए, दो काम सौका में दिए, नहर का सफैया मैंने करवाया, 6-7 काम मैंने किया BDC होते हुए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नहीं आगे मैं क्या कर सकता हूँ। सोच हमारा बहुत आगे है, तैयारी मैं आगे, मैं BDC लड़ रहा हूँ, आगे मैं ऊपर मुखी का दावेदार भी रहूँगा। ऊपर मुखी के दावेदार रहेंगे, रहेंगे। और ऐसे में क्षेत्र की जनता को विकास का जी कैसे भरोसा दिलवाएंगे फिर से, और किस तरह से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं? 5 साल मैंने किया वो आप देख लीजिए, इससे बढ़ चढ़ के मैं आगे मैं काम करूंगा। जैसे भी देखा जाए क्षेत्र पंचायत चुनाव की तैयारियां, कई प्रत्याशी हैं, चुनौतियां काफी हैं, उन चुनौतियों से कैसे पार होंगे? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कई प्रत्याशी हैं आपके बीच? हमारा देखिए, जो वादा रहेगा, झूठा वादा नहीं रहेगा, जो हम कहेंगे वो करेंगे, इससे मैं बढ़ चढ़ के आगे मैं काम करूंगा। उपप्रमुखी का दावा आप करने के लिए बोल रहे हैं जी। ऐसे में विकास अपने BDC क्षेत्र में कितना क्या किया आपने पिछले 5 सालों में? 5 साल में एक ये स्कूल का काम हुआ, एक गली का काम कराया, यहीं बगल में गली है बाजार की, उसके बाद में मदरसा का जो है गांव के पश्चिम आता है वहां मैंने काम दिया मदरसे के PCC ढलैया करने के लिए, और सौका में यादव टोला बस्ती है वहां मैंने ढलवैया करवाया, फिर एक और गली है गांव में जो मैं स्कूल के बाजू में है, अभी काम वहां थोड़ा रुका हुआ है बालू के एवज में, बालू मिल नहीं पा रहा है, 8,000 रुपये इसमें बालू है, 8,000-9,000 हम लोग का एस्टिमेट जो पास हुआ है 3,000 समथिंग। वैसे भी आज आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है तो काम कैसे हो पाएगा? चलिए, बात किया जाता है विकास की, पिछले 5 सालों में आपने जो भी विकास किया, युवाओं के क्षेत्र में आपने क्या विकास किया? क्योंकि देखिए, युवा रीढ़ की हड्डियां होते हैं और आप BDC से फिर उप प्रमुख की दावा करने जा रहे हैं, आप तो उन लोगों के लिए क्या सोच रखे हैं? उन लोगों के भविष्य भी आगे मैं सोच रखा हूँ कि उन लोगों को मैंने खेल व कूद वगैरह जो भी है उससे मैं बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लूँगा उन लोगों के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हमारा सहयोग रहेगा। ऐसे में क्षेत्र पंचायत जी, देखा जाता है कि चुनाव की तैयारियां आप खुद कर रहे हैं जी, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता में कितना साथ, कितना विश्वास, क्या लगता है आपको? नहीं, पूरा विश्वास है हमारा कि हमारे साथ लोग रहेंगे। महिलाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? क्योंकि आत्मनिर्भर एक तरफ नारी सशक्तिकरण जी, तो आत्मनिर्भर की तरफ एक कदम, कोई आपका क्या सोच है? महिलाओं के साथ भी जो है मेरा कदम रहेगा, अच्छा रहेगा, जो भी चीज़ आएगा उन लोगों के लिए, उन लोगों को भी मैं हम सोच रखे हैं। ऐसे में क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं जी, कई प्रखंडों में आपने देखा होगा जी, जो विकास नहीं किया होगा वो कहीं और जी जी, और जो विकास किया कहीं आगे आगे, तो अब क्या लगता है? क्योंकि देखिए, जागरूक हो चुकी है जनता, और जनता को अब उससे नहीं मतलब आगे, अब जनता क्या चुनती है, अब तो जनता के ऊपर है। और ऐसे में अपने मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से अपील हमारा यही रहेगा कि आगे हमें वो लोग वोट करें बढ़िया से, और उसका जो भी जीतने के बाद जो भी होगा उन लोगों से मिलजुल करके हम साथ साथ अपना चलेंगे हम ले करके। चलिए, धन्यवाद। बता दें, मेरा घर सहुका है, मेरा नाम शशि भूषण पासी। शशि भूषण जी, चुनाव की तैयारियाँ, चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं? चुनाव का मुद्दा है विकास, चुनाव के मुद्दे हैं विकास, और हम लोगों को विकास करना है। इस विषय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक विकास हो। अगले बार जो थे मुखिया वो विकास नहीं कर पाए, सब उनका मुद्दा फेल है, जो भी किए हैं वो सब अधूरा है। शशि भूषण जी, चुनाव के मुद्दे विकास जी, बात करते हैं शिक्षा पर सबसे पहले जी, क्योंकि शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, शिक्षा है तभी तो साक्षरता है। शिक्षा है हमारे, शिक्षा के लिए देखिए कम से कम साफ सफाई, नली गली, और समाज के लिए लाइन बिजली का भी, और विद्यालय अच्छा होना चाहिए,
बहुत जगह से हमको रिपोर्ट आता है कि सारे जो है विद्यालय ढहे ढुए हैं, वहाँ कोई तरह का अच्छा शिक्षक नहीं है, कोई देखने वाला हमारे पंचायत के मुखिया भी नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें एक मतलब कमेटी तैयार हो और अच्छा से अच्छा उस पर विकास के लिए हम लोग काम करें। शिक्षा की बात कर ले, युवा आपके साथ हैं, युवाओं के लिए क्या सोच रखें यदि मुखिया बनते हैं? सोच रहे हैं कि हम लोग अच्छा से अच्छा रोजगार दें उसको, जो भी हो और जो शिक्षित है उसके लिए भी, जहाँ हम लोगों का पहुँच हो विकास के माने में, हम लोग अधिक से अधिक उन लोगों को शिक्षा का माध्यम से बढ़ावें। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए चुनाव की तैयारियां, महिलाओं के लिए क्या सोच रखें, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की योजनाएं कहीं ना कहीं चल रही है, उसको लेकर क्या कहना है? नारी सशक्तिकरण के लिए हम ही कह रहे हैं कि 50% सरकार उनको रोजगार दी है और बढ़ावा दी है, हम लोग उनके उत्थान के लिए विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो जहाँ तक आगे बढ़ें और हमारे समाज के लिए एक अच्छा नारी सशक्त विकास हो। आत्मनिर्भर भारत जी, उसको किस तरह से सोच रहे हैं, क्या? आत्मनिर्भर भारत जो है हमारे विकास में, हम लोग जब हमारे मतलब समाज बढ़िया जागरूक होगा, हम जागरूक हो गए, हमारे नौजवान जब जागरूक हो गए, तो हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, कोरोना काल में जी प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे उनके लिए आपके जरिए क्या किया गया? प्रवासी मजदूर के लिए हम लोग जितना हेल्प हुआ हम लोग किए, और उन लोगों को अपने जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया, साधन और जो भी था वो हम लोगों के पास उन लोगों तक दिया गया, और उन लोगों को जहाँ जैसे बेतिया, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची के रहने वाले तो हम लोग पहुँचाए और उसमें लगे हुए थे जी। ऐसे में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन जरूरी था जी, जरूरी। और कहीं ना कहीं COVID-19 अभी गया भी नहीं है जी, है कि जिस तरह से देखा जा सकता है कि ऐसे में कहीं हॉस्पिटल का अभाव, तो कहीं स्वास्थ्य का अभाव, तो कहीं कई चीज़ों का अभाव हम लोगों ने देखा है, और स्वास्थ्य पे किस तरह से क्या व्यवस्था, स्वास्थ्य के ऊपर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य में सर ऐसा है कि स्वास्थ्य तो हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब जब सफाई होगा तभी स्वास्थ्य होगा, और डॉक्टर जब रहेंगे हर जगह अच्छा तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। मान लीजिए हर स्वास्थ्य के लिए जो है मेडिकल खुलना है तो इसमें हर पंचायत में खुलना है, और हम लोग सोचेंगे कि हर पंचायत में हर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खुले, जहां हमारे डॉक्टर, मैडम और हर आदमी हो। मुखिया जी, चुनाव के मुद्दे इस बार जो विकास का है, पिछले 5 सालों में मुखिया जी चुनाव की तैयारियां नहीं हो पाई हैं, और ऐसे में देखा जा सकता है कि चुनाव वैसे विकास नहीं दिख रहा है, क्या वजह हो सकता है मुखिया जी? देखिए सर, विकास कैंडिडेट पर और मान लीजिए उस पर निर्भर है कि हम लोग विकास कैसे करेंगे। हमारी जनता जो है चुप्पी या मान लीजिए जो भी बोल रही है, हम लोगों को विकास के लिए हर तरह से अपना जागरूक रहना है, हम लोग विकास कराएंगे, हाँ अच्छी विकास देंगे समाज के लिए। आखिरी सवाल अब आपसे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना मत अधिकार दे करके हमको चुनाव जिताएं, और मैं अवश्य है कि विकास लाऊंगा और समाज को एक जागरूक बनाऊंगा। मुखिया जी, युवा हैं आपके साथ में, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए जो भी रोजगार हमारे समझ से होगा मैं वही करूंगा कि जो मिले समाज के लिए, हर परिवार में पहुंचे, जो विकास आएगा मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूं। मुखिया जी, आप अपील करिए कि मतलब आपका जो चुनाव निशान है उसको लेकर। मेरा चुनाव निशान है गाजर, क्रमांक 13 है, और मैं निवेदन करूंगा इस पूरे जनता से, आग्रह कर रहा हूं कि मुझे इस पर बहुमत से वोट देकर मुझे विजयी